और अब बात राजधानी रायपुर की, जहां पर चोरों का निशाना तबाह आशियाना, क्योंकि यहां पर रायपुर के चदानी दरबार के सामने बोरिया कला हाउसिंग बोर्ड के बीएसयूपी फ्लैट में खंडर में जो तब्दील होते जा रहे हैं उसकी वजह चोर है, क्योंकि यहां के फ्लैट्स में अब ना खिड़की बची है और ना ही दरवाजे बचे हैं, दीवारें भी जगह जगह से टूट गई है। इन फ्लैट्स की ऐसी हालत है कि आप इनको देखकर खंडर ही कहेंगे, क्योंकि चोरों ने उनकी हालत इस तरह से बना दी है। चोरों की करतूत और रायपुर हाउसिंग बोर्ड के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से शासन को करोड़ों का नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। चदानी दरबार के सामने बोरिया कला हाउसिंग बोर्ड के बीएसयूपी फ्लैट को चोरों और कबाड़ियों का एक तरीके से अड्डा इसको बना दिया गया है, ये अड्डा बन चुका है पूरी तरीके से। तस्वीरों के जरिए आप देख समझ सकते हैं कि कैसे चोरों ने बाकायदा ग्रिल समेत, फ्रेम समेत पूरी खिड़की और दरवाजों को पार कर दिया है। पिछले 8 महीनों से रोजाना इन फ्लैट से ग्रिल, दरवाजे, खिड़कियों की चोरी हो रही है। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि ग्रिल निकालने के लिए यहाँ पूरी पूरी दीवार को तोड़ दिया जा रहा है, यानी कि चोरी भी खुलेआम की जा रही है। करीब 200 से ज्यादा फ्लैट ऐसे हैं जहां से खिड़की, दरवाजे, ग्रिल गायब कर दिए गए। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के रहवासियों का ये भी कहना है कि एक दबंग किस्म का शख्स अपने गुर्गों के जरिए यहाँ पर अक्सर चोरी करवाता है। तो इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज नायक भी जुड़ चुके हैं। मनोज, खुलेआम चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, खुल्लम खुल्ला बकायदा दरवाजे खिड़की निकाली जा रही है, आखिरकार जो हाउसिंग बोर्ड का जो प्रबंधन है वो क्या कर रहा है, क्यों नहीं इस पर कार्रवाई हो रही है, क्यों इनको शह दी जा रही है? निश्चित रूप से यह पूरा मामला जो है शासकीय संपत्ति को क्षति पहुंचाने का, शासकीय संपत्ति को क्षति तो पहुंच रही है लेकिन साथ ही साथ जो है हाउसिंग बोर्ड को जो है करोड़ों का नुकसान भी हो रहा है। और इसकी जानकारी जो है हाउसिंग बोर्ड में बैठे जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन्हें भी हो चुकी है, क्योंकि जहां भी ये सारे निर्माण कार्य होते हैं वहां पर जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इंचार्ज होते हैं और उनके एरिया में ही ये सारे निर्माण कार्य आते हैं। ये काफी दिनों से बने हुए थे और ये गरीबों के लिए बनाए गए आशियाने थे, जो कि खासकर झुग्गी झोपड़ी बस्तियों को व्यवस्थित करने के लिए बीएसयूपी मकान बनाए जाते हैं। हाउसिंग बोर्ड ने इन मकानों का निर्माण किया था और इसके बाद जो इनमें से कुछ मकानों को रायपुर नगर निगम के हवाले किया था। बीते दिनों यहाँ पर से जो है जिन लोग निवासरत थे, 8 महीना पहले की बात है ये, कि जो लोग निवासरत थे उन्होंने इसे खाली कर दिया और वे अन्यत्र चले गए। इसके बाद वापस जो है हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम के ये आधिपत्य में आ गए थे, जिसके बाद जो है इस ओर जो है नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड ने ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते है रोजाना जो है चोर वहां उत्पात मचाना शुरू कर दिए। सारे जो मकान फ्लैट खाली पड़े थे वहां पर से दरवाजे, खिड़कियां, रेलिंग, साथ ही साथ जो मकान की मकान में जो लगे हुए नल है, उनकी टोटियां, पाइप, ये सारे चीजों की चोरी हो चुकी है। जो फ्लैट सभी खाली है और जहां चोरों ने निशाना नहीं बनाया उसे भी निशाना बनाने की आशंका जो है आसपास के रहवासी जता रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं कि रोज रात को जो है कुछ दबंग किस्म के गुंडे आते हैं, चोर आते हैं और ये सारी जो घटना को अंजाम देते हैं, वे सारे माल समेट कर वहां से चले जाते हैं। लेकिन जब आवाज भी आती है रात को तोड़फोड़ की, तो कोई भी जो कॉलोनी वासी जो वहां वर्तमान निवासरत है वे बाहर नहीं निकलते, क्योंकि उन्हें भी अपनी जान का डर होता है। और इसकी जानकारी जो है स्थानीय पुलिस को भी है, पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि रोज इस प्रकार की घटना हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस के भी जो रात्रि गश्त है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि क्यों जो रात्रि गश्त में अधिकारी होते हैं उन्हें ये सारी चीजें पकड़ में नहीं आती। चोर क्योंकि रात के समय ले जाते हैं सारे माल मशरूका इस तरीके से, और यह जो घटनाक्रम है सिर्फ एक दिन में नहीं हुआ है, रोजाना इस प्रकार के घटनाक्रम हो रहा है। इसी मामले में जब हमारी बात हुई आरडीए के हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष से, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मामले की जानकारी अभी तक के नहीं मिली है, लेकिन वे इस संबंध में पता करेंगे, जबकि हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर का कहना था कि यह सारी घटना उनके। मनोज, आप हमारे साथ बन रही है। इस वक्त हमारे साथ कुलदीप जुनेजा जी भी जुड़ चुके हैं, हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष भी है। कुलदीप जी, जिस तरह से ये रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं इसमें आप खुलेआम देख सकते हैं कि कैसे पूरे लगभग 200 से ज्यादा जो फ्लैट मकान यहाँ बने हुए हैं उनकी बकायदा फ्रेम समेत खिड़कियां दरवाजे निकाल लिए गए, और पिछले 8 से 10 महीने से ये सब कुछ चल रहा है। आखिरकार प्रबंधन इस दिशा को लेकर गंभीर क्यों नहीं, इस तरह की स्थिति क्यों पैदा हो रही है? देखिए जगह और क्यों ऐसा हो रहा है, इसकी घटना की जांच का बताओ। आज मैं भी ऑफिस में, हाउसिंग बोर्ड में, मैंने सब अधिकारियों की मीटिंग ली है, उसमें कमिश्नर भी थे साथ में, और मीटिंग लेके कहा कि सख्त से सख्त वहां पर जो भी स्टेप कर रहे हैं कार्रवाई करें। और फिर मैंने कमिश्नर से कहा कि उसको अच्छी जो भी मकान जो पड़े हैं उसमें हम कुछ बात करके वो करेंगे, बोर्ड की बैठक में रख के उसको ठीक करें।
जो भी खर्चा आता है थोड़ा बहुत जो भी खर्चा आएगा उसको ठीक करके वापस कम से कम किसी के नहीं तो गरीब लोगों के काम आए, गरीब को कम से कम रेट में दे, ऐसा भी मैं ऑफिस से अभी ये बात करके निकला हूँ। लेकिन कुलदीप जी इतना वक्त क्यों लग गया, 8 से 10 महीने से इस तरह की चोरियां हो रही है, इस तरह से यहाँ पर जो वारदात है उसको अंजाम दिया जा रहा है, बकायदा यहाँ पर जो ड्रिल मशीन होती है उससे तोड़कर ये खिड़की फ्रेम निकाली गई है, ये ऐसी चीज है कि जो सबके संज्ञान में अपने आप आ ही जाती है और उसके बावजूद इतना वक्त लग गया। हमारे वहाँ के मैं कभी वहाँ के किसी लोगों ने वहाँ के किसी पब्लिक ने कभी खबर नहीं करी, ये तो कल पता चला, मीडिया वालों ने कल बताया इसको और हमारे को मीडिया वाले बताया, तुरंत मैंने एक्शन लिया उसके ऊपर। लेकिन आपको लगता नहीं कि हाउसिंग बोर्ड की भी जिम्मेदारी होती है, जैसे हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि जो एई होते हैं हाउसिंग बोर्ड के उनके अंडर ये सारे फ्लैट्स आते हैं, तो क्या वहां जाकर कोई निरीक्षण नहीं करता, जायजा नहीं लेता कि जिसको आपने ये प्लॉट अलॉट किए हैं फ्लैट्स क्या वाकई में वहां रह रहे हैं, वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से सब कुछ ठीक है या नहीं है? नहीं, अभी मैंने निर्देशित कर दिया है कि उसको ठीक ठाक करें, सुरक्षित रखें और उसको और भी जैसा जो अच्छा से अच्छा हो सकता है बना के उसको वापस अपन उसको जनता के बीच में लाएं और जनता को दें, ऐसा भी अधिकारियों को अभी कमिश्नर को बोल के निकला हूं। क्या किसी पर कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी या यहाँ पर सुरक्षा को लेकर कोई आप एक्शन लेंगे आगे के लिए भविष्य के लिए? जांच करवाऊंगा, जिसके अधिकारी कौन आता है वहाँ का अधिकारी देखिए, हम उसके ऊपर जांच भी करवाते हैं, उसको निर्देशित भी करेंगे कि इस प्रकार की जो घटना होती है आपका ड्यूटी है उसको देखना और बचाना, संपत्ति हाउसिंग बोर्ड की है तो अगर नहीं भाई कुछ होगा तो नुकसान आप जो अधिकारी जो देख रहे हैं उसके ऊपर आएगी आएगी बात, तो मैंने अभी सबको अधिकारी को अभी निर्देशित किया है और जल्द से जल्द कुछ ना कुछ कार्रवाई भी करेंगे जांच करवा के। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।